अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा था। ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें? तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई, अब कुछ और सोचो। नंबर वन। नंबर टू, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो, तो वो नहीं हुआ, दैट मींस आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी, उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए, अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा से करने वाले हो जो पिछली बार करी, तो छोड़ दो, मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट कुछ और तो करो, नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया। सो द पॉइंट इज कि एक तरह से अगर हम सोचते रहे नॉनस्टॉप 2 दिन 4 दिन, तो आदत पड़ जाती है, हैबिट, एक तरह की हैबिट पड़ जाती है उस तरह से सोचने की, और जितना आप कहते हो ऐसा नहीं करना है वो उतना ही पावरफुल होता चला जाता है। क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो, हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करके। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है यहाँ पे वहां पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती, वहां पे होती क्रैक करने की बातें, क्रैक करो, क्रैक करो, क्रैक से क्या, थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस, ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह आता ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो चिंती बनते चले आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो, वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है। किसी को नहीं पता होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 years, 20 years, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है, डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है। सही मतलब क्या, अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे और प्ले हो रहे हैं, बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है वो किसके हाथ में है, वो आपके हाथ में है, वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो वो किसके हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। वो कब है आपके हाथ में, जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है, तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो इफ यू सेट योर गोल्स करेक्टली बेस्ड अपॉन मास्टरी, व्हाटएवर यू लाइक डूइंग, व्हाटएवर योर इंटरेस्ट आर, व्हाटएवर योर पैशंस आर, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन इट, एज बेस्ट एज आई कैन, नॉट इन कंपेरिजन टू समबडी, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है।